नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। अभी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और सीए एपीएस का आंसर की जारी किया गया था, लेकिन कुछ उसमें त्रुटि के कारण वो बाद में एनटीए द्वारा फैच आउट कर लिया गया था। अभी उसको दोबारा से अपलोड कर दिया गया है, उसमें जो भी करेक्शन करने थे करेक्शन करने के बाद, तो आप लोग सर्वप्रथम उसे मिला लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे जब से आंसर की आई है तब से दो चीजें कंटिन्यू पूछते जा रहे हैं, सर कट ऑफ क्या जा सकता है और रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोनों का आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं कि जो आंसर की अभी नहीं देखे वो आंसर की देख लें और सर्वे फॉर्म भर दें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हो सकता है आज रात के 8 बजे या फिर कल रात के 8 बजे हम लोग इसका रिजल्ट, जैसे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा हम लोग कट ऑफ सर्वे जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट कब आ रहा है इसकी सूचना हम लोग अभी आपको बता देंगे। तो अभी ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आगे देखते हैं कि कल मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी थी, अभी इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं सेम सारी लिंक दे दूंगा। जो बच्चे अभी तक आंसर की नहीं चेक किए हैं, ये पहली लिंक पे जाना, आंसर की लिंक, डायरेक्ट लिंक वर्क नहीं करेगी आपके फोन में, ये केवल लैपटॉप पे काम करेगी, कॉपी पेस्ट करोगे तभी होगा। वैसे इसे जैसे ही क्लिक करोगे आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ये पेज खुलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो recruitment.nta.nic.in है, मतलब एनटीए जो एएससी का पेपर करा रही है तो एनटीए के बिहाफ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेज है वो ओपन होगा। और यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो ये आपको चार लिंक है, एक आपका आरओ एआरओ का एक साथ दिया हुआ है, सीए का आंसर के एक साथ दिया हुआ है, एपीएस का अलग दिया हुआ है, और आरओ हिंदी और उर्दू जो बाद में पोस्ट आए थे उनका एक साथ दे दिया है। अभी आप समझिएगा, एपीएस और इनकी देखा जाए तो 6 और 12 जनवरी को इनका एग्जाम खत्म हुआ है, और 6 तारीख को, 6 जनवरी को, और उसके बाद आपका 14 जनवरी को आंसर किया गया। तो इससे यह पता चलता है कि एनटीए और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों दोनों को बोला जाए तो रिजल्ट में देरी करने के किसी भी मूड में नहीं है। हमेशा की तरह जैसे पहले देखा गया है हाईकोर्ट की बात किया जाए तो वो हमेशा ही तेजी दिखाता है, इस बार भी तेजी दिखाएगा। तो आप लोग लेट मत करें, जल्दी से अपना आंसर की मैच कर लें और क्लेम कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, सपोज करिए आरओ यार वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आएगा। यहाँ पे लॉगिन के दो तरीके मांगेंगे, एक लॉगिन ऑप्शन है यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, साइन इन करेंगे तो आपका दोनों ओपन हो जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हो, चेक करने का तरीका मैं इससे पहले वाले वीडियो में बनाया हूं, उसकी लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जरूरी क्या है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, इसी वीडियो के जो मैं अभी बना रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको दो यहां पे लिंक मिलेंगे, एक एएससी एआरओ कट ऑफ सर्वे फॉर्म, एक एएससी आरओ कट ऑफ सर्वे फॉर्म, और इसमें से किसी एक पे क्लिक करोगे, सपोज करो एआरओ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज आपको एक फॉर्म खुल के आएगा जो एएससी आरओ जो सर्वे रिजल्ट है 8 PM 15 जनवरी का आपको दिखा रहा है। तो यहां पे अभी जो रिस्पॉन्सेस आपको मुझे मिले हैं वो 500 से 700 ही मिलेंगे। कारण ये था कि तुरंत ही हाईकोर्ट ने क्या किया था, अपना एनटीए ने आंसर की फेच आउट कर लिया था, अभी फिर से आ गई है तो मैं चाहूंगा कि ये रिस्पॉन्स काफी संख्या में आए। टोटल 396 पद हैं तो उसके सापेक्ष में कम से कम मेरे पास 5 से 7 हजार अगर आप लोगों के डेटा आ जाते हैं तो मैं एकदम सटीक कट ऑफ आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली यही कट ऑफ जाएगा, हमेशा की बात है, जिसमें एक दो नंबर भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप भी इस फॉर्म को भरिए, जिसमें करना क्या है, नाम डालना है आपका, केवल यहां पे देखिए नाम की बात कर रहा है, जेंडर डालना है, ईमेल भी नहीं रखा गया मेरे ख्याल से, नाम और ईमेल और फोन नंबर नहीं रखा गया, ठीक है। तो आपको नाम डालना है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, कैटेगरी किसमें वो डालना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर क्यों लिया जाता है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे गलत सूचना दे देते हैं तो उनसे कंफर्म किया जाता है कि क्या आपने ये जो सूचना दिया है सही है, ताकि डेटा में कहीं भी 1% का एरर ना आए, इस कारण से दिया जाता है। एग्जाम डेट यहां पे आप चूज कर लोगे तो देखो 14 15 16 18 19 20 6 में एआरओ का हुआ था तो एग्जाम डेट आएगा, कौन से शिफ्ट थी और कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं वहां पे, केवल आपको डिजिट लिखनी है। जैसे आपके 146 सही हो रहे हैं, 140 सही हो रहे हैं तो आप केवल डिजिट लिखो 140, यहां पे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से टाइपिंग अटेम्प्ट में परसेंट, वहां पे जब आपने टाइपिंग आपने सबमिट किया था तो दिखाया था 99% अटेम्प्ट और या फिर 100%, 96% ऐसे दिखाया था, तो वो परसेंटेज आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है, उसके बाद सबमिट कर देना है और आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बिहाफ पे हम लोग पूरी इसमें गणित लगा के आपको कट ऑफ दे देंगे। कट ऑफ का जो रिजल्ट है वो फिर से सुनिए, सर्वे रिजल्ट 8 PM 15 जनवरी, या तो आज या फिर कल, अगर होगा
तो हम 8 बजे आज ही लाइव आ जाएंगे, आपको सूचना दे दी जाएगी। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा काम सर्वे फॉर्म भर दीजिए, तीसरा काम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ना वीडियो शेयर करिए तो ये जो लिंक है सर्वे फॉर्म की लिंक है इसे कॉपी करोगे आप और अपने दोस्तों के साथ पेस्ट कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। जितने ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे उतना ही सटीक मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा, ये सब आपके हाथ में है। तो फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट की बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो सुनने में खबर आ रही है एनटीए और हाई कोर्ट की, तो देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे कोई इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल यहां पे नहीं है, ना ही जो इलेक्शन हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये अलग स्वायत्त संस्था है जो अपना अलग ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो जितने भी जुडिशियल होते हैं, तो इनका रिजल्ट भी आ सकता है, इनकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, इनमें कुछ नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो रिजल्ट की आप उस हिसाब से सोच सकते हो, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लेंगे। तो आप लोग एकदम माइंड मेकअप कर लो, अपना बोरिया बिस्तर बना लो, एकदम टाइपिंग भी कर चुके हो, अब कुछ है नहीं, लास्ट में केवल छोटा सा मेडिकल कराएंगे और आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आप सभी को पहले ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक बच्चे इसमें, जितने टीम परीक्षा प्लस से जुड़े हैं या कोर्स से जुड़े थे, वो सेलेक्ट हों, और हमेशा शुभकामनाएं साथ में रहती हैं, हमेशा रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस सर्वे रिजल्ट में।